तिरुपति प्लांट का जो गेट है, मेन गेट, उसकी ड्यूटी क्या है, मेन गेट की ड्यूटी क्या है, जो वहाँ पर गार्ड और सुपरवाइज़र मेन गेट पर जो तैनात रहते हैं उनकी ड्यूटी क्या है, मेन गेट की ड्यूटी क्या है। मेन गेट की ड्यूटी इस प्रकार है, तिरुपति प्लांट का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी बिना आई कार्ड का, बिना वेरिफिकेशन का अपने तिरुपति प्लांट से बाहर नहीं जाएगा। उसका चेक, उसका इस बात का ध्यान रखे, जैसे जो हमारे तिरुपति प्लांट के जो अधिकारी है वो उनका भी आई कार्ड होता है, ऐसा ना हो कि कोई भी आया, मैं अधिकारी हो, मैं ऑफिसर में चला गया, नहीं, आप गेट पे खड़े हो तो आप देखो, पहचानो कि ये हमारे तिरुपति प्लांट के कोई अधिकारी है या परमानेंट कर्मचारी है या कॉन्ट्रैक्टर के आदमी, ठेकेदार, लेबर, हाउसकीपिंग वाले हमेशा चेंज होते हैं। इनका अनुमति लेटर चेक करो, इनका नाम पूछो, इनका आधार कार्ड चेक करो, ऐसा कोई भी इल्लीगल आदमी को अंदर प्रवेश ना दे। हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार के आदमी, लेबर, हाउसकीपिंग वाले, इनमें कोई चोर भी हो सकता है जो हमारे तिरुपति प्लांट के अंदर काम करके यहाँ की यहाँ का सब कुछ देखने के बाद, वो तो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है, लेबर है, आज भी करेगा, कल भी करेगा, छोड़ देगा, वो चोर है। इसीलिए ऐसे आदमियों को अंदर जाना मना है। आप परमिशन और आधार कार्ड के बिना किसी लेबर या कॉन्ट्रैक्टर या हाउसकीपिंग वाले लेबर को ना छोड़े, आपकी ड्यूटी है। अगर आपकी ड्यूटी के अंदर कोई घटना दुर्घटना घट जाएगी, आप खुद स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे। इसीलिए आप अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान, आप कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार के आदमी, लेबर, हाउसकीपिंग वाले, इनका अनुमति लेटर चेक करना है आपको। आपको देखना है कि ये लेबर है भाई, इसका नाम भी माओ, एक साइन करके दो, तारीख डालो, टाइम डालो, अंदर से परमिशन लो। कल उठ के अगर कोई घटना घट गई तो पुलिस वाला यही पूछेगा कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, गार्ड, आप लोगों का क्या काम था। आप नज़रअंदाज मत करो ये बात की, मशीन चलता है अंदर, बॉयलर है ना, तो वहाँ पर आग बरसती है। अगर कोई आदमी अंदर लेबर काम कर रहा है पैसे के लिए और अचानक कुछ एक्सीडेंट हो गया, मर गया, जल गया, कुछ हो गया, तो पुलिस डिपार्टमेंट आपसे सवाल करेगी, तो आप उसका जवाब क्या दोगे। इसीलिए आपका मेन गेट जो है, मेन गेट, ये मुख्य द्वार को कभी मत छोड़ो आप, ये मेरा वादा है। लापरवाही मत करो आप। आप ड्यूटी पर 12 घंटे रहते हो, वही खड़े रहते हो लोग, लेकिन आपके सामने कोई जा रहा है, आ रहा है, आप उसको टोकते नहीं हो। जिस दिन आप अगर टोकोगे ना, उस दिन आपको वो इज्जत देना शुरू कर देगा। ये बात याद रखने का। कुछ लोग जो ड्यूटी को ईमानदारी और कड़क से जानते हैं, जो जिसका यूनिफॉर्म अगर सही रहेगा ना, वही ड्यूटी का वफादार आदमी होता है। इतना याद रखना एक बात, जिसका यूनिफॉर्म अगर बिल्कुल टकाटक रहा, शेविंग रहा, और विमल गुटखा तम्बाकू खुद चोरी छुपे खाएगा या नहीं खाता हो, तो ऐसा आदमी अगले आदमी जो है ना, जो खैनी बनाते हैं अंदर, वो आपका चेहरा देख लेने से खैनी छुप फेंक देगा वो। ऐसा करके रखो आप, आपकी इज्जत है, आपकी ड्यूटी है। आप क्या सोचते हो कि हम सिर्फ अपना टाइम पास करोगे? अरे टाइम पास करने से कोई ऐसा आदमी घुस जाए अंदर शराब पीकर और अंदर में मशीन के अंदर आ जाए, बॉयलर के अंदर आ जाए, कोई कोयला गोडाउन के अंदर अचानक धस जाए, वही मर जाए, सही क्या गलत? तो आपका कर्तव्य है कि मेन गेट के अंदर आपको परफेक्ट ड्यूटी करना है। बिना अनुमति, बिना आधार का कोई भी लेबर एक दिन के लिए आता, दो दिन के लिए आता, एक हफ्ते के लिए आता, 15 दिन के लिए आता, एक महीने के लिए आता, ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना है।